यूपीएससी भी पास है, मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम भी है, हम सर्चिंग में मतलब अव्वल है, उसके बावजूद भी मुझे भगा दिया गया। जो पैर से लंगड़ा है वो कौन सा काम कर सकता है? वो सिर्फ एक शिक्षक बन सकते हैं, कोई मानसिक काम कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से अपंग है तो कौन से काम कर सकते हैं? आज अतुल प्रसाद जी को विचार विमर्श करना होगा। जो फर्जी जा रहा है क्रिकेट खेल का, जो खेल का भी नियुक्ति पत्र दे रहा है, उस पे चेयरमैन साहब उसे एकदम कानून कार्रवाई करे और उसे अंदर करे। इसको बहुत दूर तक लड़ेंगे और ये बहाली को आप नहीं तो पटाक्षता से भी करवाइए, सूची बनाइए, देखा दीजिए कि हम 68 पे लिए हैं तो अगला को 68 है कि नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज, मैं हूँ आकाश आपके साथ। अभी हम बीपीएससी ऑफिस के समीप खड़े हैं जहाँ अभ्यर्थी लोग मौजूद हैं, उससे कुछ बात करते हैं। सर, आप लोग धांधली का आरोप आप लोगों लगा रहे हैं, सरकार से आप लोगों की क्या मांग? कल कटक जारी होने के बाद कटक से अधिक नंबर आने के बाद भी रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया हुआ तो सभी लोग अपना एप्लीकेशन लिए थे बीपीएससी भी, जो भी चेयरमैन है उनसे मिलने के लिए कोशिश कर रहे, बट यहाँ मिलने नहीं दिया। हम लोग कभी सारे पुलिस यहाँ पर ना काउंटर पर ना एप्लीकेशन जमा करने के लिए मौका दे रही है, ना कुछ है। मेरा मैटर यही है तो हम अपेयरिंग में फॉर्म भरें, हम सीटेट भी पास हैं, बीपीएससी भी पास है और हम डीएलएड झारखंड कोर्ट से कर रहे हैं। जब अदर स्टेट को आपने मौका दिए, अपेयरिंग के भी मौका दिए, अदर स्टेट के भी मौका दिए एग्जाम देने के लिए, तो हम लोग उसमें प्रजेंट हुए। प्रजेंट होने के बाद आप ये अभी जानते होंगे, सब जानते होंगे, तो कौन सा डीएलएड का बोर्ड का रिजल्ट आया है, कौन सा डीएलएड का बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया। हम मेरा सीवर में वेरिफिकेशन तो वहाँ गए, सीवर में वेरिफिकेशन करने के बाद गए तो ना वहाँ प्रजेंटिव लोग कर रहे हैं, तो आप आए हुए हैं इतना रोल नंबर आप प्रजेंट, आपको 30 की वजह से आपको मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ पर रेजेंट बोल रहे हैं तो ठीक है जाइए, आपका डॉक्यूमेंट होगा तो लेकर आइए, अगर नहीं होगा तो नहीं लेकर आइए। हम डॉक्यूमेंट लेकर गए थे और बस हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं बीपीएससी चेयरमैन से, तो हम लोग का मौका दिया जाए, जब तक ले डीएलएड का रिजल्ट नहीं आ जा रहा है झारखंड सरकार का, जब तक ना मौका हमें दिया जाए, मेगा सूची जारी करते हैं उसके बावजूद भी हम लोग को हटाया ना जाए। जो जो स्टेट का अगर रिजल्ट आ गया, जैसे सेंट्रल का रिजल्ट सीटेट का आ गया, अगर उसमें फेल है तो ठीक है, सही है, हम उसमें भी पास हैं, बीपीएससी भी पास है, मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम भी है, हम सर्चिंग में मतलब अव्वल है, उसके बावजूद भी मुझे भगा दिया गया। मतलब पारदर्शिता नहीं है? नहीं, प्रत्याशिता नहीं है ना, कोई मतलब प्रत्याशिता नहीं है, कोई मतलब हम जा रहे हैं, कोई प्रत्याशी नहीं, मतलब कुछ नहीं है। अब क्या है क्या नहीं, मतलब ऐसे ही भगा दिया जा रहा है। आप सब कुछ बताएं, क्या आप क्या आपको इसमें? हम चेयरमैन साहब से यही कहेंगे कि नियोजित टीचर का जो इसमें कर दिया गया है, वो तो ऑलरेडी टीचर पहले था और फिर इसमें कर दिया है, तो फिर उसका रिक्त स्थान क्या होगा? इसमें से नियोजित टीचर को हटाया जाए और जो फर्जी जा रहा है क्रिकेट खेल का, जो खेल का भी नियुक्ति पत्र दे रहा है, उसपे चेयरमैन साहब उसे एकदम कानून कार्रवाई करे और उसे अंदर करे। और फर्जी आदमी को भी नियुक्ति मिल रहा है, क्रिकेट खेल को भी नियुक्ति मिल रहा है, ये कैसा बहाली? हम सरकार से कहना चाहते हैं। अरे एक बात और आ रही है, लाइन फॉर जॉब से जुड़ते हुए 9-10 में जो भी है बहुत धांधली हुआ है। मान लीजिए कि फिजिक्स में है जिसका रिजल्ट, उसको केमिस्ट्री में भी है, बोटनी में भी है, जूलॉजी में भी है, 11-12 में है और 9-10 में, उसको सर छांट लिया जाए, उसके बाद वो भी जो है प्रदर्शिता कट ऑफ जारी किए, जो कट ऑफ से ऊपर है उसको तो लिया जाए, कम से कम सेकंड वेटिंग लिस्ट में आप जारी कीजिए, जो चार जगह है उसको हटाइए, जो स्टेट पास नहीं है उसको भी आप ले लिए हैं, उसको आप शिक्षा विभाग से इसको जानकारी दीजिए ना कि स्टेट उमेश में वो लोग पास है, उसको आप जो 23 में पास है उसको भी ले रहे हैं। हम लोग स्टेट पास किए थे तो उस समय पहले आवासीय नहीं था, अभी चित्रंजन का एक हुआ, और भी बहुत ऐसे आदमी है जो मतलब अभी कहीं से लाया है डिग्री और उसको डिग्री हो जा रहा है। सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उसको बहुत अच्छी तरह से देखा जाए और वेटिंग जो नहीं सेकंड मेगाक्रम बनाइए, उसको मेगाक्रम में जो जो पास हो गए हैं उसको कम से कम आप दीजिए। फीमेल का आप बोले हैं 39 पर देंगे, आप पीएच का उसमें दिए नहीं रहे, लिस्ट में बने हुए नहीं किए, साइंस में चाहे और सब्जेक्ट में दिव्यांगता कैंडिडेट है उसको दिए भी नहीं है। सर आपका क्या कहना है? अभी लैंड फॉर जॉब जोड़ के देखा जा रहा है, लैंड फॉर जॉब मतलब नहीं है, मैंने मुझे मीडिया का फायदा करना, लेकिन हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसी बात की, इसे पहले में कुछ ज्वाइनिंग रोका जाता है, दो तारीख को ज्वाइनिंग नहीं जा रहे हैं, इसमें इलेक्शन का इशू है,
इलेक्शन आने वाला है उसी परिप्रेक्ष्य में लोग जल्दबाजी दिखा रहे हैं, हर बार में सब गड़बड़ काम हो रहा है। देखिए यहाँ कंप्यूटर साइंस का है, इस पर कहीं आपका सीलिंग हुआ नहीं है, देख रहे हैं कहीं आप रिजल्ट निकाल दिए बीपीएससी का, किसी भी रिजल्ट में आपका होता है सील मुहर होता है, इसमें कहीं सील मुहर कहीं नहीं, अंतिम में देख लीजिए कहीं सील मुहर नहीं है। वहीं आप हिंदी का देख लीजिए, हिंदी में है प्लस टू का ही है, देख लीजिए हिंदी में है जो पहले निकल गया 22 से पहले वो सही है, लेकिन 22 से पहले 22 से बाद निकला ना हाई स्कूल आपका हो गया और उसमें 1-5 निकालने की जरूरत है। अभी आप पहले प्लस टू क्लियर करते हैं उसके बाद हाई स्कूल क्लियर करते हैं उसके बाद 1-5 देते हैं। आप है कि 1000 निकालेंगे पीछे ऑफिसर का, उसमें पढ़ाई लेते हैं 7-6 महीने साल भर और 120,000 जॉब दे रहे हैं वो भी 2 महीने में, है ना, कौन जल्दबाजी है आपका? देखिए कहीं आप इसमें है सील मुहर आपका है ना, और इसमें सील मुहर है और सब आपका युवा कैटेगरी है, देख रहे हैं आपका 525 है इसका कैटेगरी है, मेरिट है, देख रहे हैं मेरिट, इसमें कहीं रिजर्वेशन हुआ है कहीं सिर्फ आप युवा उठा के दे दिए सिर्फ है ना, इसमें आपका देखिए यहाँ पर मेरिट है, यहाँ पर सीरियल नंबर है मेरिट है और सेम चीज़ आप कंप्यूटर में देखिए, ये हम कंप्यूटर युवा सिर्फ दिखा रहे हैं आपको है ना। आप इतने लोग दिखा करते हैं कि हम कंप्यूटर में सिर्फ 7,500 बहाल कर रहे हैं, लेकिन कैसे लोग बहाल कर रहे हैं देखिए आप 22,006 यहाँ पर कोर्ट में जाए, यहाँ तक आपका मेरिट में है 2206 है आपका, देखिए यहाँ तक मेरिट में है, देख रहे हैं सिक्वेंस साफ साफ है ना, 2184 सिक्वेंस है 2206 तक देख रहे हैं ना, उसके बाद 2207 में आपका 44 कहाँ से आ गया, 2207 ना आएगा फिर 2208 ना आएगा, आप देखिए 2082 हाँ 20 में कहाँ से घुसा दिए, फिर देखिए 2261 में आपका घुसा दिए 2576 कहाँ से आ गया है ना, और देखिए 2473 आ गया आपका 3672 आ गया कहाँ से आ गया, लास्ट में जाइए आप दिए हैं कितना दिए हैं यू आर में देखिए, तो देखिए बस 2 मिनट से मिलेगा मेन इशू है इसको आइए, और देखिए यहाँ रहिए कि 12,000 वाला हो गया कंप्यूटर में, कैसे हो सकता है 12,000, देखिए मेल है सर सर और सर यू आर कैटेगरी के हैं, कैसे हो सकता है 12,000 वाले भी हमने विचार किए इसमें कैसे आप देखिए इसको 2211 इसको तौर पे क्या कहना इसको सीधे कहना है कि ये जल्दीबाजी में रिजल्ट दिया गया है, इस पर टाइम लीजिए है ना, एक विषय निकालने में आप 10 दिन पहले एक महीना लीजिए है ना, फिर अगला विषय निकालिए आप 2 महीने में ज्वाइनिंग गलत चीज़ है ना, हर बार में आप गड़बड़ कर रहे हैं, हड़बड़ी का काम शैतान का है ना, हड़बड़ी काम शैतान का, इसको आप प्योर इस पे क्या मांग करते हैं आप, मांग करते हैं इसे किस वर्क किया जाए इसको है ना, जो रिजल्ट है आपका फिर से रिजल्ट कैंसिल कीजिए, इस पे काम कीजिए आप, यहाँ जैसे आप देखिए कि 325 हिंदी वाले था ना, आप लोग 1,71,000 के करीब लोग एग्जाम दिए, कितने लोग नाखुश हो गए, इसे आपका 1,87,000 था इसे बहुत लोग दिए एग्जाम आपका, हम प्लस टू भी बता रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस में 2019 में 17,000 कुछ पास लोग थे और इसमें किसी 18,000 भर देंगे फॉर्म वगैरह, मतलब नियोजित है कि इससे कम होना चाहिए 15,000 भर गांधी मैदान में दिखाना है कि मतलब कुछ फर्जी लोग भर दिए हैं सीधा नियोजित को बाहर किया, और पहले बात है ना कि आपका जो 19 में वोट लोग इंटर नहीं थे सामने ही है ना, डॉक्यूमेंट नियोजित शिक्षकों का जो रिक्त स्थान बचेगा उस पर उसके हम लोग हाँ, तो जो जो एग्जाम दिए हैं जो अनएम्प्लॉय हम लोग इस्तेमाल किया जाए, तो पहले से एम्प्लॉय है कि उसको दुनिया का पहला दुनिया का पहला जो दे रहे हैं आप कि उसपे जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसे करेंगे, जो बेरोजगार वो भी करेंगे, उन लोग का सीट मार रहे हैं आप 40,000 वैसे कैंडिडेट है 42,000 पहला है 18,000 उधर तो 70,000 हो गया, जो आपका नियोजन हो जा रहा है नियुक्ति मिलने जा रहा है आप 1,00,000 का दे रहे हैं, देखिए आपका गेस्ट टीचर का है, गेस्ट टीचर का बहाली जब निकला था उसमें क्या है 24/7/23 तक आपत्ति दर्ज कराना है आपको, इसमें आपका सारा चीज डिटेल में दे रहे हैं, देख रहे हैं आपका नाम है विषय है पिता का नाम माता का नाम डेट ऑफ बर्थ है ना, मेल फीमेल ओबीसी है ना, आपका स्टेट में कितना मार्क्स है ए इसका नहीं है तो रिक्त है, नो स्टेट स्टेट पास नहीं है ना, तो इस तरह से आप पहले मेरिट लिस्ट लाइए, हम यही मांग कर रहे हैं सबका पास फेल सबका, अगर मेरा नहीं हुआ है मेरा नहीं आया इसमें हम कटअप में जाते हैं, जो आपका कटअप है उसको हम पार करते हैं पता हमें, लेकिन मेरा नहीं हुआ है तो हमसे जो कम वाले कैसे हो सकता है, आप सबका निकालिए अब उसे देखेंगे कि आप जो जिसको ज्वाइनिंग दे रहे हैं उसका कितना मार्क्स है, उसका मेरिट लिस्ट कितना, एक मेघा निकालिए आप मेघा सूची दीजिए हमको कि आप कितना से लिए हैं, मान लीजिए इनका 39 है मेरा 41 है, इनका हो गया मेरा नहीं हुआ है,
अच्छा ऐसा भी कैंडिडेट है, क्वालिफाइड है, स्टेट नॉट क्वालिफाइड है, फिर भी इनका रिजल्ट है, सीटेट कोई फेल है, कोई डीएलएड फेल है, उसको देते हैं आप, इसे दो मार्क कम वाले को हो गया है। क्या करता मेरा दीवी भी सही है, लैंग्वेज पेपर ही क्वालिफाई 72 लैंग्वेज पेपर मार्क है 60 मार्क सब लीपा पोती सी हो रहा है, दिखावा हो रहा है। मतलब मेरा भी सर मतलब मेरा 41 नंबर बन रहा है सर, प्लस टू फिजिक्स का सर, और मिनिमम कट ऑफ जनरल कर दिया है 39 सर, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं है, दीवी भी करा लिया सर, सब सही पाया गया सर, सब कुछ सही डॉक्यूमेंट है। 39 साइंस में भी गया भैया, अभी 35-36 पे आएगा उमर का। हाँ नियोजित टीचर हटेगा तब भैया, नियोजित नहीं साइंस में भी हटेगा ना, स्टेट पास होना है वो है, सीटेट है वो 12 में चल जा रहा है। अरे यार उसका तो आप लोग ये लड़ाई कहाँ तक, ये लड़ाई बहुत दूर तक होगा, कोर्ट तक जाएंगे, इस पर सुप्रीम कोर्ट भी लड़ेंगे, स्टेट मेरी वाली भी लड़ रहे हैं और अभी भी लड़ेंगे। 250 नहीं अभी 60-70 हजार है, आप जाली जान दे रहे हैं और भी तो है, इसलिए हम लोग इसको बहुत दूर तक लड़ेंगे। और ये बहाली को आप नहीं तो पारदर्शिता से फिर करवाइए, सूची बनाइए, मेगा दीजिए कि हाँ हम 68 पे लिए हैं, तो अगला को 68 है कि नहीं है वो हम देखेंगे, रोल नंबर में मिलाएंगे हम लोग, तब हम लोग सबूर होंगे कि हाँ भाई अगला को 68 पे हो गया। मेरा 41 नंबर है सर ओबीसी, और जनरल का 39 दिया गया सर, प्लस टू फिजिक्स का सर, और मेरा 41 बन रहा है, फिर भी मेरा मेरिट में नाम नहीं है। आप 39 साइंस में लिए हैं, 41 वाला मेरा नहीं है। चार तो हमारे क्लास में थे, हाँ ना, 24 बच्चे थे, उसमें 4 परसेंट थे, क्लास में थे और ओवरऑल दिखाया जा रहा है, तो ये तो साफ साफ धांधली दिखाया जा रहा है। जी सर, आप मनमानी कर रहे हैं, लैंग्वेज पेपर भी मेरा क्लियर है, हजार एग्जाम में पेपर वन की बात कर रहे हैं, पेपर टू में बच्चे जो पेपर वन में आए थे वो भी एब्सेंट, पेपर टू में एब्सेंट, तो ये साफ से पता चल रहा है कि जो 6 बच्चे को एब्सेंट दिखाया गया और आपके क्लास में 4 बच्चे एब्सेंट थे, तो ये साफ से पता चल रहा है कि धांधली हुई है, जो बच्चे नहीं आए उन लोग को भी पास कर दिया गया है। जैसे तैसे देखिए इसमें है, मिले हुए अंदर वाले लोग मिले हुए हैं, जो लोग काम करते हैं, ठीक है ना, जो जगह पे काम करते हैं बसने के लिए सब दिखा रहे हैं, बस सिर्फ लीपापोती कर रहे हैं, और मतलब दीजिए ना, तो इसको जांच किया जाए, लीपापोती किया जा रहा है, सीबीआई जांच होगा, हम सीबीआई जांच करवाएंगे इस पर, समझ जाइए, इस पर जांच इसलिए किया है कि संज्ञान में इसको जल्द से जल्द अतुल प्रसाद लिए, नहीं तो फिर इसको सीबीआई में हम लोग, सभी लोग पता है कि क्या कर रहे हैं, 47-47 का हुआ है, जो 50 लाया उसका हुआ नहीं है, इस पर सीबीआई जांच होगी ना जी, हम लोग हैं स्टूडेंट, हम लोग आप लाठी मरवाइएगा, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के बाद न्यायालय है ना सीबीआई, फिर आप लोग समझिएगा, अतुल प्रसाद पर भी एफआईआर है, मुख्यमंत्री संज्ञान में डालिए, मुख्यमंत्री महोदय पर भी लिया जाएगा। आप क्या कह रहे सर, हम ये कहना चाहते हैं कि उर्दू का जो सीट था अतुल प्रसाद जी ये अब ने ये कहा था कि मतलब जितना सीट है मान लीजिए सब मिला के 12,000 सीट है और उसको पूरी तरह से भरा जाएगा, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह फंस गया कि जो अतुल प्रसाद सर जी हैं उसमें कितना है मालूम है, 7,500 सीट को भरा गया, उसमें भी नियोजित शिक्षक को शामिल किया गया और अब तक 5,000 सीट खाली है, और यहाँ तक अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट करके कहा था कि न्यूनतम अर्हता यानी कि जिसका मतलब सबसे खत्म न्यूनतम अर्हता है उसको भी उसको भी लोग पार नहीं कर पाएंगे, तो हमने 5% छूट यानी कि 6 नंबर कम करके 35 पर सबको ले लेंगे, लेकिन वो सब सीट बचा के रखा गया है और उसी सीट को उसी तरह खाली रखा गया है, दिव्यांग का लिस्ट नहीं है, और ये बताए दिव्यांग जो बच्चे हैं उनका लड़का हो या लड़की उनका लिस्ट ही जारी नहीं किया, उनका रिजल्ट ही नहीं दिया, अब तो कटअप कहाँ से देगा, रिजल्ट ही बताइए, रिजल्ट ही उनका नहीं आया, उनका न उनके परिवार उनका कोई नहीं है, न उनका कोई कुछ नहीं है, अब बताइए, अब जो पैर से लंगड़ा है वो कौन सा काम कर सकता है, वो सिर्फ एक शिक्षक बन सकते हैं, कोई मानसिक काम कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से अपंग है तो कौन से काम कर सकते हैं, अतुल प्रसाद जी पर विचार विमर्श करना होगा, नहीं तो आप समझिए ये पूरे बिहार के लाखों युवाओं का हाय लगेगा उनके ऊपर, ये बहुत खराब काम किए हैं, ये लोग वोट के लिए पहले तो नियोजन करा ले तो सबका हो जाता, लेकिन इसमें इतना धांधली हुआ, हमारे गांव में बहुत सारे लोग आए बोले कि बीपीएससी से एग्जाम होगा, धांधली नहीं होगा, सब जो छान के बच्चे जाएंगे जो योग्य होंगे वो जाएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं सारा सीट बचा हुआ है और जो सीट चुराया जा रहा है, सीट चुराया जा रहा है और बाहर से बच्चों को लिया जा रहा है और उसमें घुसखोरी चल रहा है, तो घुसखोरी पूरा घुसखोरी चल रहा है, अंदर सीट बचा के रखा जा रहा है, जो जिसका 16 स्तर भी है जिसके पास पैसा है वो सीट लेकर खरीद ले रहा है, और सबसे बुरा हमको इस बात का लगा है कि दिव्यांग लोगों का रिजल्ट जारी नहीं हुआ, आपको ये सोचना चाहिए कि जो स्वस्थ मनुष्य है वो तो कुछ भी कर लेगा, लेकिन जो दिव्यांग है जिसका कोई सहारा नहीं है वो क्या कर सकता है, जो पैर चपाई है जो कौन से काम कर सकता है, वो चल भी नहीं कर सकता है तो कौन सा तो शिक्षा भी बन सकता है, ये जो मानसिक काम वो भी यही कर सकता है, उनका कोई सहारा नहीं है, आप लोगों ने रिजल्ट
मुकदमा जारी करके ये बहुत बड़ा अपमान का काम किया है, जिसका प्रभाव नीतीश सरकार से मैं कहना चाहता हूँ आपके वोट पर इतना बुरा तरीके पड़ेगा, आपका सरकार डूब सकती है। इसीलिए कहता हूँ आप माननीय नीतीश कुमार से और माननीय अतुल प्रसाद जी से, आप लोग बहुत अच्छे हैं और आप लोग ने बहुत विकास का काम किया है, लेकिन इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जितने विकलांग लोग हैं जितना आग्रह किया जा रहा है कि पहले संशोधित किया जाए, आप लोग आग्रह संज्ञान में सोचिए, सब विचार विमर्श करिए और जो मतलब निर्णय अच्छा निर्णय ले और सबके भलाई का काम करे। तो उसके बाद फिर जो उर्दू का सीट बचा हुआ है 5000, उस उर्दू का सीट को पूरा फुल किया जाए, क्योंकि ये बात मैं नहीं, ये आप ही ने बोले थे कि जब तक पूरा सीट फुल ना हो जाए तब तक बच्चों को लिया जाएगा, यहाँ तक कि न्यूनतम अर्हता यानी कि 5% कम करके भी लिया जाएगा, लेकिन आपने क्या किया, आपने बहुत सारे बच्चों के साथ धोखा किया, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं आया, ये इसका जिम्मेदार कौन है बताइए, बहुत सारे बच्चे क्या एक शिक्षक ही बनना है, नौकरी वही करता है जिसमें कोई साधन नहीं होता है, जो बड़े बड़े पोस्ट जो होते हैं IPS IAS वो लोग बड़े बड़े लोग जाकर करते हैं, लेकिन आप जरा सोचिए जो टीचर का नौकरी है वो गरीब परिवार का लड़का 20,000 का नौकरी कौन करना चाहेगा, उस समय नियोजन होता था तो नियोजन के समय 20,000 का मिलता था, तो आप बताइए 20,000 का नौकरी कौन करना चाहता है, जिसके पास कोई साधन नहीं है वो सोचेगा 20,000 रुपया लेकर के उसको अपना किसी तरह अपना और किसी तरह नून भात खा करके कुछ भी खा करके किसी गुजारा करेगा, लेकिन आप इस बात को नहीं समझे, UPSC का परीक्षा लिया उसमें हम लोग कितना विरोध खाए लाटे खाए फिर भी हम लोग कोई दुख नहीं है, लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि जो सीट है उसको पूरा कीजिए, और दूसरा बात ये भी है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि विकलांग लोगों का सीट को भरा जाए, उनका रिजल्ट जारी किया जाए, बस यही आग्रह है। तो जैसा कि BPSC के अभ्यर्थियों का कहना है कि इस एग्जाम में लीपापोती की गई है और इनके इनको जो हक मिलना था वो नहीं मिल पाया है, और साथ में पारदर्शिता नहीं की गई है, और इनको इस सीटों को बचाकर अमीरों का को सीट देने के लिए इस तरह की राजनीति की गई है, और साथ में इनका यह कहना है कि ये भी अगर इस बार ऐसे अगर अतुल प्रसाद जी और नीतीश कुमार के पास जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट भी जाएंगे, अगर नतीजा नहीं मिला तो CBI इंक्वायरी के लिए भी ये लोग अपना पक्ष देंगे, और अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो बहुत दूर तक ये अपने मुद्दे को लेके जाएंगे, और साथ में उनका यह भी कहना है कि अगर हमारी हमें ऐसे ही किया गया तो हम अंदर से हारेंगे नहीं और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह के न्यूज़ में तमाम तरह के न्यूज़ में बने रहने के लिए आप देखते रहे विमर्श न्यूज़, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करें फॉलो करें, तब तक के लिए विदा लेते हैं, धन्यवाद।